हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द समीर ब्लॉग्स। आई होप गाइस विल बी एब्सोल्युटली फाइन। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आज तक मैंने इस टॉपिक में वीडियो नहीं बनाई है और आज तक मैंने किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला। आज तक मैंने किसी भी यूट्यूबर के बारे में भी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि ये सब चीज़ें से मुझे कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आज मैं 4 दिन से एक चीज़ देख रहा हूँ वीडियो में, 1 हफ्ते से एक चीज़ देख रहा हूँ, 1 वीक बोल सकते हैं, जो लोग इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उस बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ सोचा कि यार, मतलब आप लोग अगर ये सब करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग मैंने जिस टाइटल में जिस टॉपिक में वीडियो बनाई है, वो लोग अगर वहां से आए इस वीडियो को देखने, तो प्लीज़ भाई को वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद मुझे बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो मुझे बुरा ही समझोगे। तो प्लीज़ पहले वीडियो को पूरा देखो और देखो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसके बाद आप बताना कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत दिन से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यूट्यूब में, बहुत सारे नोटिफिकेशन देख रहा हूँ मैं यूट्यूब में उस टॉपिक में। क्योंकि दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट यूट्यूबरों को सब्सक्राइब करके रखा हूँ जिनको मैं जानता हूँ, और वही लोग इस चीज़ का वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ ऐसे वीडियो के बारे में, एक्सपोज। बहुत सारे दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि कोई इसको एक्सपोज कर रहा है, कोई उसको एक्सपोज कर रहा है, कोई बोल रहा है ये फ्रॉड है, कोई बोल रहा है वो क्या है क्या है। तो यार देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमारे से सीनियर यूट्यूबर है, आप हमारे से बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये सब वीडियो बनाएंगे तो हम लोग जो आप लोगों को देख के सीखते हैं, हम लोग क्या बनाएंगे? आपके सब्सक्राइबर आपको देख रहे हैं, अगर आप लोग को ये लगता है कि इसको करने से हमें व्यू ज़्यादा मिलेंगे, ये एक बड़ा टॉपिक है, तो भाई ऐसा है कि देखिए, आपके सब्सक्राइबर आपको इसलिए सब्सक्राइब करते हैं कि अगर आप नॉलेज वाले तो हमें नॉलेज मिले, आप मोटिवेशनल वाले तो हमें मोटिवेशन मिले। तो अगर आप नॉलेज छोड़ के कुछ और ही वीडियो बना रहे हैं, तो जो हम छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो आपको देख के समझते हैं, आपको देख के समझते हैं, आपको देख के हम बनाते हैं, आपके जो आप वीडियो बनाते हैं उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं। अगर आप ही लोग ये सब करेंगे तो छोटे यूट्यूबर है, आप लोग सीनियर है, हम मतलब छोटे कहने का मतलब छोटा बड़ा कोई नहीं होता, जूनियर और सीनियर हो जाते हैं। आप लोग सीनियर है हमसे, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं यूट्यूब के बारे में, और अगर आप लोग यही टॉपिक में वीडियो बनाएंगे तो हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो टेक से रिलेटेड नहीं है या कुछ मोटिवेशनल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम भी यूट्यूबर है, हम जूनियर यूट्यूबर है आप लोगों से, तो आप लोग को देख के कुछ ना कुछ सीखते हैं हम भी। और मैं भी बहुत सारे टेक वाले यूट्यूबर्स को जानता हूँ, और मैं भी पहले टेक वाला ही यूट्यूबर था, अभी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ऑटोमोबाइल को पकड़ा। तो बहुत सारे दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कोई इसको एक्सपोज कर रहा है, कोई इसको एक्सपोज कर रहा है, कोई बोल रहा है ये फ्रॉड है, कोई बोल रहा है ये गलत है, कोई अर्निंग के बारे में बोल रहा है कि ये गलत अर्निंग के बारे में बताता है। तो भाई देखिए, ऐसा है ना कि अगर आप लोगों को ये सब बोलना है तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को वो चीज़ पर्सनल में बोलना चाहिए, यूट्यूब में वीडियो नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि यार मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा ट्रेंड मिलता है, लेकिन यार फिर भी एक्सपोज मेरे हिसाब से ये सब गलत है। किसी के बारे में कहना, किसी पे उंगली उठाना, पहले आप उस चीज़ को समझो। अगर आपको लगता है कि वो गलत है यूट्यूबर, वो बड़े यूट्यूबर है, उसने गलत वीडियो बनाई है, तो आप उसे एक मेल डालिए, कुछ अदर अलग तरीके से उससे कॉन्टेक्ट कर दीजिए। आप डायरेक्ट उनके उससे रिलेटेड उनके बारे में डायरेक्ट आप वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना यार। आपके सब्सक्राइबर आपको देख रहे हैं, वो लोग भी सोचने में लग जाते हैं कि ये क्या यूट्यूबर है, मतलब क्या चीज़ का टॉपिक बना रहे हैं, ये बेमतलब का टॉपिक है। भाई आप मानो या ना मानो, भले आप एक सीनियर यूट्यूबर हो, आपको मुझसे ज़्यादा बारे में पता। अगर यहाँ पे कोई सीनियर यूट्यूबर मुझे देख रहा है तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हो यूट्यूब के बारे में, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो 100 में 10% ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं आपके जो आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, बोलेंगे हमको ये सब चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो लोगों को ये सब चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये किसी को आप एक्सपोज कर रहे हो, किसी पे उंगली उठा रहे हो, मतलब ये गलत है यार मेरे हिसाब से, ठीक है। देखिए, और अगर आपको किस लगता है कि ये गलत बोला है, ये यूट्यूबर ने गलत बात की है, तो देखिए हम सब यूट्यूबर हैं, हमको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर उंगली उठाना चाहिए, ठीक है। अब यूट्यूब हमारा कोई रिलेशनशिप या कोई रिश्तेदार तो है नहीं जो ये सब चीज़ को समझेगा, नहीं समझेगा यार वो। तो मेरे हिसाब से हम सब यूट्यूबर है, ठीक है, हमको एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के चलना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे उंगली उठाना चाहिए कि ये कर रहा है कि ये वो कर रहा है, ये इसे एक्सपोज कर रहा है, इसे एक्सपोज कर रहा है, ये गलत बात बोल दी, ये गलत अर्निंग ऐप बता दी। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि ये गलत बोल रहा है, ये यूट्यूबर गलत बोल रहा है, तो आप उसे मेल कीजिए, उसको कमेंट करके बोलिए, उसे मैसेज में बताइए, कुछ भी करके कॉन्टेक्ट करिए और उसको समझाइए कि भाई आपने ये चीज़ गलत बनाई, ये चीज़ सुधार लीजिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है, या तो डायरेक्ट यार मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक में वीडियो ही बना दो, ये तो गलत है यार।
हाँ, अगर हम छोटे यूट्यूबर जो है, आई मीन टू से जो जूनियर यूट्यूबर है और जो सीनियर यूट्यूबर है, जो जूनियर यूट्यूबर आपको देख रहे हैं, वो लोग भी सो भी कभी सोचते हैं ये चीज़ क्या, ये चीज़ लोग क्या बना रहे हैं, और वो लोग फिर उसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं और उस टॉपिक पे वीडियो वायरल होना कोई अच्छी बात है कि आप ही बताइए मुझे? अच्छी बात नहीं है किसी के बारे में उंगली उठाना। अगर मान लो यार किसी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, अच्छी खासी उसकी ज़िंदगी चल रही है, अच्छी लाइफ उसकी चल रही है, उसने 100 वीडियो बनाए, ठीक है, उसने एक यूट्यूबर ने 100 वीडियो बनाए, अच्छा खासा उसका चैनल ग्रो कर गया, और उसने 100 में एक गलत वीडियो बना दी, मान लीजिए उससे गलती हो गई, तो उसने कौन सा बहुत बड़ा पाप कर दिया यार? मतलब ऐसा नहीं होता ना कि यार मतलब उसके इतने एक गलत वीडियो पे इतने सारे लोग, उसी टॉपिक पे वीडियो बनाओ आप लोग यार, कोई भी हो, मैं किसी एक के प्रॉपर टॉपिक नहीं बोल रहा हूँ, हर कोई, मैं यहाँ पे कहने का मतलब बोल रहा हूँ कि हर कोई एक दूसरे को एक्सपोज कर रहा है। मतलब एक नया टॉपिक का ट्रेंड हो गया भाई कि तू उसको एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूँ, ये वीडियो चलेगा, इसमें व्यू आएंगे, लोगों को देखने में मजा आता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है। एक दूसरे का सपोर्ट करो कि एक दूसरे का सपोर्ट करो, किसी पे उंगली मत उठाओ। अगर आप लोगों को लगता है कि उस यूट्यूबर ने गलत बात की है, तो वहाँ पे उससे आप मेल करो, उसे बोलो कि भाई आपने गलत चीज़ बोली है, उसे ये चीज़ समझाओ, और ये बोलो कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ मत करना भाई, इससे सब्सक्राइबर को और जो हमारे हमारे फैमिली है, मेम्बर्स है, जो हमें देख रहे हैं, जिनसे हमें जिनको हमसे नॉलेज चाहिए, वो लोग पर गलत इफेक्ट पड़ता है। ऐसा समझाया जाता है यार, साथ हाथ कदम कदम साथ में बढ़ाया जाता है, साथ साथ में हाथ में आगे पकड़ के बढ़ा जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जिन लोग, उनको मैं बता दूं कि भाई इससे ऐसा कुछ टॉपिक पे जो मैंने इस वीडियो बनाया ना, आज तक मेरे चैनल में आपको नहीं दिखेगा। आप जाके मेरा चैनल विजिट कर लीजिए, ऑटोमोबाइल वाला जो मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत दिनों से यूट्यूब पे ये चीज़ ट्रेंड में चल रही है कि ये इसको एक्सपोज कर रहा है, ये उसको एक्सपोज कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो के मैंने सोचा कि इस टॉपिक में वीडियो मुझे बनाना चाहिए और आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। अगर आपको कहीं पे कुछ गलत दिखता है, बड़े हो आप, सीनियर यूट्यूबर हो, अगर आप ये टॉपिक पे वीडियो बनाओगे तो जूनियर जो यूट्यूबर है वो आपको देख के सीखते हैं, फिर वो आप लोग वही चीज़ इस चीज़ पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो वो लोग का तो फ्यूचर कहीं ना कहीं खराब होता है इस चीज़ से, ठीक है। तो भाई जेन्युइन टॉपिक पे वीडियो बनाओ, जो चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए लोगों को वही वीडियो बनाओ, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के भाई ने कोई भी गलती की होगी, कुछ गलत बोला होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों का आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा।